मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ विदिशा और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल में बंगाली गर्ल इन हैदराबाद। तो आज है राखी, तो मेरे तरफ से सभी लोगों को राखी का शुभकामनाएं हैं। और अभी शर्विल भी रेडी हो गया है, उनके स्कूल में रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन है। ऑलरेडी 10 बज गया है घड़ी में, तो उसको तो हर दिन लेट ही चलता रहता है। तो चलो, हम लोग भी आजकल लेट ही उठ रहे हैं, थोड़ा लेट सोने के चक्कर में तो हम लोग अभी लेट उठना हो गया ऐसा। तो चलो जल्दी जल्दी से उसको दिखा देते हैं उसका राखी का लुक क्या है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल में ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने के लिए बोले हैं कल, तो इसीलिए ट्रेडिशनल लुक्स पहना के भेज रहे हैं मतलब उसको। तो चलो अभी वो शू पहन रहे हैं तो पहन लेने दो, उसके बाद चलो जल्दी जल्दी से उसको दिखा के फिर उसको स्कूल छोड़ के आते हैं। ये है उसका राखी का लुक, ऐसा पंजाबी और पाजामा पहन के, शू पहन लिया, उसे रेडी हो गया। चलो 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 स्कूल, हेलो स्कूल। पाजामा और कुर्ता पहन के जा रहे हैं वो। और हाथ क्लोज कर दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप स्टॉप। अरे बाबा, अरे बाबा। तो आज ब्रेकफास्ट में साबूदाने की खिचड़ी बनाया है, ये कृष्णेंदु का फेवरेट है तो इसलिए वो बनाए। मेरा उतना साबूदाने का खिचड़ी उतना पसंद नहीं है, फिर भी मैं खा लेती हूँ। तो अभी शर्विल के लिए गिफ्ट आया है राखी का, शायद दीदी ने भेजे होंगे। तो दीदी ने शायद भेजे होंगे शर्विल के लिए ये राखी का गिफ्ट, क्योंकि मेरे दीदी का दो बेटियां हैं तो उनका भी कोई भाई नहीं है और मेरे भाई बच्चे का भी कोई दीदी नहीं है अलग से, तो वही है। तो इसीलिए वो मतलब दीदी ने भेज दिया है, तो अभी अभी कुछ टाइम पहले ये आए हैं, रिसीव किया। जब तक रिसीव किया तब तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि तब वो दे के चले गए थे नीचे। जब शर्विल को दे के आ रहे थे तभी वॉचमैन मेरे को हाथ में था दे दिया, तो मैंने सोचा कि चलो, तब आके ना रख दिया था, भूल गई। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने सोची कि अरे मैं तो भूल गई, तो इसीलिए अभी शर्विल को लेने जाना है और उसके लिए थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह भी लेके आना है ईजा जी को। और मेरे दीदी का जो बच्चे है उन दोनों को लिए भी भेज दिया मैंने, मैं मेरे तरफ से भेज दिया, ऐसे तो कुछ नहीं है। तो हम लोग बंगाली में राखी को उतना कुछ नहीं है, तो भाई को राखी मानना है, यही है हम लोगों के लिए। तो भाई दूज मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल है और हम लोग मनाते भी है। तो ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से बाकी कर लेती हूँ, 12:30 बजने वाले हैं। तो शर्विल को लेने भी जाना है और अभी दाल बन रहा है, तो चलो बाकी का काम कर लेती हूँ। राखी कौनटा पड़े छो? तो अभी वो घर आ गए स्कूल से। और राखी तुम्हारा फ्रेंड ने राखी नहीं पहनाया, ये देखो राखी बहुत सुंदर है, वाव। मुँह कम नहीं करे ना, फेस कम नहीं करे ना, टीका भी लगवाया। आबार 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 क्या लो, जमा खुलते हैं। अच्छा खुले दीजिए गया है और गर्मी भी लग रहा है, तो कपड़े उठा के देख दिखा रहा है कि कपड़े खोल दो मेरे को। हाँ, कर देती हूँ, रुको, वेट करती हूँ, वेट। तो चलो अभी बाकी काम करना है, मतलब उसके लिए थोड़ा चिकन बनाना है और काम के मतलब में चिकन बनाना है उसके लिए, और राइस बनाना है, हम लोगों के लिए रोटी बनाना है। और अभी नहा धो के उसको भी थोड़ा प्रिपेयर रेडी, उसको भी थोड़ा नहा धो के फिर से रेडी वगैरह करके उसको भी थोड़ा, मेरे दीदी ने जो भेजा है गिफ्ट, मतलब उसके दीदी ने दीदी लोग ने जो भेजा है उसको, तो वही वाला अभी पहनाना है उसे थोड़ा। उसमें भी थोड़ा ऑनलाइन पे है, ऑनलाइन पे आया है तो वो सब कुछ, तो टीका और तिलक लगाने का भी वो है, तो मैं भी वो कर दूँगी जो भी आया है। देखते रहो और एंजॉय करो, हम लोग भी एंजॉय करें, कभी कभी किए नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये भी, है ना। तो जो ना गिफ्ट है इसे के दिए छे गिफ्ट, तुम्हार गिफ्ट एटा, योर गिफ्ट्स এটা ওই যে ব্যাং ছোট দি আর বড় দি ওরা পাঠিয়েছে। আর কান্না করে চোখ মুছো,
এটা ছর্দি আর বর্দি পাঠিয়েছে তোমার জন্য, চলো ওপেন করব, চলো। দেখ এটা কে পাঠিয়েছে তোমার জন্য, গিফট কে পাঠিয়েছে দেখো তো, এই দেখো। পরে দেখতে পেলাম জানো বাবু, এইটার জায়গায় একটা ভাই লেখা ছিল বেশ সুন্দর, ওইটা নিলেই হতো। হ্যাঁ আর পয়সা দিয়ে দিয়েছি আর কি করবো। ভাই লেখাটা নিয়ে এলে ভালো, দিদি বলেছিল অবশ্য, ওটার মধ্যে দেখবি না একটাই আছে রে। আমি ওকে বললাম তখন, একটা কেন পাঠিয়েছিস দুজন না? কি কি চাকু? দাঁড়া না, তোর তো মানে সময় নেই তোর জন্য ওইটা খাওয়ার জন্য। এদিকে ঠান্ডা লাগিয়ে নিবুলাইজার নিচ্ছিস তুই কিনা, দেখ দেখ কেমন দেখতে হয়েছে। রাখিটা দেখে দাও তো তোমার, রাখি 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 এমনি করে দেখাও। না ক হয়নি এখনো তো, রাখি পড়ানো হয়ে গেছে তো, উসকা দিদি নে উসকো রাখি দে দিয়া হ্যাঁ, চলো চলো ইয়ে লে লো ও ইয়ে। তো হো গিয়া রাখি ভি বাঁধনা হো গিয়া, তো আবি তো ওরা ইনকো সুলায়েঙ্গে, দোপহর মে ইয়ে সব কুছ কর দিয়া মানে,
अभी तो दोपहर है, दोपहर में ये सब कुछ कर दिया। थोड़ा आज बाहर का मौसम थोड़ा लाइट कम है, तो इसीलिए मैंने लाइट वगैरह लाइट्स ऑन कर लिया। मेरा हिंदी में बंगाली बहुत सारा कुछ आ जाता है, जिसके चक्कर में मैं भूल जाती हूँ कि मैं हिंदी बोल रही हूँ। तो चलो हो गया है, इसको ये भी मिल गया और ये यही खोलने का चक्कर में है अभी। और इसको ये देना बिल्कुल मना है, मतलब उसका इतना ठंडा लग के, वो वहाँ पे निबुलाइज़र भी चल रहा है, मतलब वो निबुलाइज़र का ही बॉक्स है जो कि मैंने रख दिया वहाँ पे। चलो अभी तुम्हें मांझ दीची, दाओ 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 एटा दाओ एटा दाओ दाओ दीची दीची दीची। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी नींद से उठने के बाद उसका हाल ऐसा है, इतना गुस्सा कर रहे, सोते जाते समय भी ऐसे। अरे बाबा हम तुम्हें तो भालोबाशी बाबा मिष्टी बाबा। तो अभी उसको थोड़ा दूध पिलाना है, तो दूध वहाँ पे रेडी भी कर लिया। आज सिर्फ खाली ही दूध दे रही हूँ, ऐसा कुछ अरे बाबा ऐसा कुछ उसमें पीडियाश्योर वगैरह कुछ नहीं डाले। अरे जी टीवी में यही देख रहे हैं, तो उसका हाल देखो ऐसा हो गया। बुक लेके अपने बुक लेके ऐसे कर रहे। अरे बुक पाए देवे ना किंतु भगवान, बुक पाए देवे ना, बुक नोमो करते हैं, माँ सरस्वती अच्छे होते। तो बुक लेके ये सब खेलना चालू हो गया है उसका। तो मेरा अभी हम लोगों का शाम से और कुछ था नहीं, तो फिर हम लोग रोटी वगैरह बना लिए और खाना वाना भी खा लिए हैं। अभी तो लेट नाइट हो गया है, मतलब खाने का भी हजम हो गया है शायद। तो अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। हेयर वगैरह मैंने मतलब बांध लिया है ना, थोड़ा अंधेरे में ही एक्चुअली बैल्कनी में खड़ी थी, तो फिर बाद में पता लगा कि अरे मैं तो वीडियो ही नहीं बनाई, रात का वीडियो भी नहीं बना पाई, भूल गई मैं। चलो अभी थोड़ा किचन का लाइट ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा बाहर देख लेती हूँ। बाहर देखो पूरा का पूरा अंधेरा है, कोई भी मतलब नहीं है। ऑब्वियसली ऑलरेडी 12 बज गए हैं, हम लोग अभी सोने ही जा रहे हैं, तो इधर उधर का थोड़ा बहुत गाड़ियाँ कार वगैरह चल रहा है, तो वही सब कुछ आ रहे हैं, तो आवाज़ शायद बहुत कम से सुनाई देंगे आप लोगों को। ये देखो बाहर जा रहे हैं, वो देखो, तो एक दो कार बाइक ही सब कुछ चलते हैं। और आसमान भी देखो कितना साफ है ना, आज कितना साफ है, तो एकदम से ये देखो मून, तो एकदम बहुत सुंदर है। तो इसीलिए मैं भी खड़ी थी यहाँ पे, और हवा भी अच्छे से चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा रिलैक्स के लिए यहाँ बैल्कनी में खड़े हो जाते ना। रात में तो मतलब मौसम इतना अच्छा है, और ऐसा वाला मौसम में बैल्कनी में खड़े हो के मज़ा ही कुछ अलग है, मतलब इतना लेट नाइट में। तो ठीक है चलो, मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ऑलरेडी लेट हो गया है, हम लोग मैं भी सोने जा रही हूँ, बाकी सब लोग रेडी होके सोने चले गए हैं, मैं ही सिर्फ बाकी हूँ यही खड़े खड़ी आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, और ज़्यादा नहीं बात करूँगी मैं आज के लिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। आप लोग जो लोग मेरा वीडियो अभी तक देखे हैं, और जिन लोग अभी तक नहीं देखे, जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं मेरे चैनल, तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए, ताकि आप लोगों के पास वीडियो पहले पहुंच जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।